हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन वेल इनफ बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त सरकारी जॉब की अपडेट लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है राजस्थान की तरफ से, सफाई कर्मचारी की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, बम्पर नंबर की सीट निकल के आई है राजस्थान का, जो लोकल सेल्फ हेल्प गवर्नमेंट होता है नगर निगम में, वैकेंसी निकल के आई है ग्रुप डी की पोस्ट के लिए। बम्पर नंबर की सीट इसलिए बोल रही हूँ कि 25,000 के करीब सीट आई है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसके लिए इलिजिबल रहने वाले हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इसका डिटेल जानने के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर इस पोस्ट से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए आपको, तो वो मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से हम लोग डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है कि राजस्थान में LSG सफाई कर्मचारी की रिक्रूटमेंट आई है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट राजस्थान के अंडर ये रहने वाला है। टोटल पोस्ट पहले ही आपको मेंशन कर दिया था, 25,000 के करीब है। देख लीजिए, 24,797 सीट पर आपकी ये वैकेंसी निकल के आई है। अप्लाई करने की जो तिथि है फ्रेंड्स, वो आपका 4 मार्च यानी आज से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट आपका रहेगा 24 मार्च रहेगा। तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, ऑनलाइन हो रहा है, जाइए फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर फॉर्म का फी क्या लगने वाला है। जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट से 600 रुपीज लिया जाता है, वहीं पर अगर OBC, BC, SC, ST कैंडिडेट है तो उनसे 400 रुपीज फॉर्म फी लिया जाएगा। अब देखेंगे हम लोग की एज की लिमिट क्या होगी। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि किस तिथि के अनुसार आपका एज की गणना की जाएगी। एज ऑन 1 जनवरी 2025, मतलब 1 जनवरी 2025 के अनुसार 18 वर्ष से 40 वर्ष के सभी कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ जो रिलैक्सेशन यानी उम्र में छूट मिलती है, आइए उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, SC, ST, EBC और EWS जो राजस्थान के कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पर 5 वर्ष का छूट मिलेगा। फीमेल जो जनरल कैंडिडेट है, चाहे वो राजस्थान के हो या फिर अदर जो भी स्टेट के होंगे, सबको यहाँ पर 5 वर्ष का छूट मिलेगा। और जो महिला कैंडिडेट है SC, ST, OBC, EBC और EWS, उनको 10 वर्ष का छूट मिलेगा। साथ ही साथ जो फीमेल कैंडिडेट विडो या डाइवोर्स्ड है, उनको यहाँ पर कोई अपर एज लिमिट नहीं है, 18 वर्ष से आगे जो भी एज लिमिट है वो सब इलिजिबल रहेंगे। देख लेते हैं कि किस इलिजिबिलिटी यानी क्या योग्यता कम से कम आपकी होनी चाहिए इस जॉब के लिए। देखिए फ्रेंड्स, पहली चीज तो ये है कि डोमिसाइल इन राजस्थान, आप राजस्थान के निवासी होने चाहिए, उसका आपको प्रूफ मांगा जाएगा, सर्टिफिकेट देना होगा। साथ ही साथ आपके पास 1 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, एज अ सफाई कर्मचारी आपने अच्छा काम किया है, इसका आपके पास सर्टिफिकेट अनुभव पत्र होना चाहिए। आगे अगर हम लोग बात करें कि सिलेक्शन किन स्टेज से गुजरने के बाद होगा, तो फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन 5 स्टेज से गुजरने के बाद होगा। इसमें कोई परीक्षा नहीं आधारित कराया जाएगा, बस आपका शॉर्ट लिस्टिंग मेरिट लिस्ट के बेसिस पर होगा। देखिए, अब मेरिट कैसे बनेगा, पहले स्टेज पर होगा शॉर्ट लिस्टिंग थ्रू लॉटरी सिस्टम। लॉटरी सिस्टम के थ्रू आपका वहां पर आगे सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, स्किल टेस्ट ऑफ क्लीनिंग ऑफ रोड स्वीपिंग एंड अदर क्लीनिंग वर्क्स। आपको पता है कि सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल मतलब आपको वहां पे रोड क्लीन करके दिखाना होगा या फिर क्लीनिंग से रिलेटेड अदर वर्क कराए जाएंगे कि क्या सच में आपको साफ सफाई करने आता है या नहीं आता है। थर्ड एक इंटरव्यू होता है, मतलब सिंपली आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद आपको राजस्थान के डिफरेंट जो नगर निगम है उसमें एज अ सफाई कर्मचारी वर्क करना होगा। अब बात कर ले कि सैलरी क्या मिलेगी, इसमें आपको Level 1 का सैलरी दिया जाता है, 18,000 से शुरुआत होती है, बाद में 56,900 मतलब 60,000 के करीब बाद तब में आपको सैलरी मिलती है। तो अपॉर्चुनिटी ये उनके लिए है जो कि आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं कुछ भी छोटा मोटा जॉब करके। अब बहुत सारे कैंडिडेट इससे हर्ट हो जाएंगे कि आप ऐसा वीडियो लेकर आए हो सफाई कर्मचारी,
देखिए वैकेंसी निकल के आई है, मेरा काम है बताना, तो मैं अपना काम कर रही हूँ। आप अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो आप फॉर्म मत अप्लाई करना। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको की जॉब की नीड है, जो कुछ भी करने के लिए तैयार है अपने आगे की तैयारी को जारी रखने के लिए। तो आई होप कि मैंने जो कुछ भी डिटेल आपको बताया आप सब कुछ समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड कहीं पर भी कोई डाउट है, मन में कोई कंफ्यूजन है, कमेंट करिएगा, वहां पर आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।